गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन दोनों ही टेंस के बारे में सभी को कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि दोनों ही हमारे पास्ट में किए गए कार्य को बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई कार्य पास्ट में किया गया हो और वो पास्ट में ही खत्म हो गया हो, प्रेजेंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं। और हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ तब करते हैं जब कोई कार्य पास्ट में किया गया हो, उसका प्रेजेंट से भी कनेक्शन है, या वो कार्य रिसेंटली किया गया है और उसका प्रभाव भी प्रेजेंट पर पड़ रहा हो। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। फर्स्ट है इसमें प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस, ही लॉस्ट हिज पेन, उसने अपना पेन खोया। इस सेंटेंस में हम पास्ट में एक कार्य हुआ, एक घटना हुई और वो पास्ट में ही ख़त्म हो गई, प्रेजेंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यदि हम बोलें ही हैज़ लॉस्ट हिज पेन, इसका मतलब ये है कि उसने जो पेन खोया है वह अभी भी खोया ही हुआ है, उसे मिला नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट को भी रिलेट करेगा। सिंपल पास्ट में यदि हम कहें ही लॉस्ट हिज पेन, तो हो सकता है उसको परसों पेन उसने खोया और कल उसे मिल गया, ये मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में ट्रू है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं तो जो सेंटेंस बना है उसका प्रेजेंट से भी कनेक्शन होता है। सेकेंड सेंटेंस है ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, यानी उसने अपना काम किया, वो काम ख़त्म हो गया। लेकिन हम ये बोलें कि ही हैज़ डन हिज वर्क, इसका मतलब है उसने अपना काम ख़त्म कर दिया है और उसका प्रेजेंट से भी कनेक्शन है, यानी वो इसका ये रीज़न निकल सकता है वो अब फ्री है या कोई दूसरा काम करने के लिए रेडी है। जैसे तीसरा सेंटेंस है हमारा ही एट फूड, उसने खाना खाया, मतलब पास्ट की ये इवेंट है, उसने खाना खाया, फिनिश। अब यदि हम बोलें ही हैज़ ईटन फूड, इसका मतलब ये होगा कि उसने हाल ही में खाना खाया है, अब उसे खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब उसे कोई भूख नहीं है। इस प्रकार के इस सेंटेंस से मीनिंग निकलेगा ही हैज़ फिनिश्ड, सॉरी ही हैज़ ईटन फूड। अब हम देखते हैं इन दोनों में दूसरा डिफरेंस ये है कि सिंपल पास्ट में हम फिनिश टाइम का यूज़ करते हैं या डेफिनेट टाइम का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम अनफिनिश्ड टाइम या इनडेफिनेट टाइम का यूज़ करते हैं। इस सिंपल पास्ट में हम जो वर्ड का यूज़ करते हैं वो हैं यस्टरडे, बिफोर, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। इस टाइप के हम टाइम वाले वर्डों का यूज़ करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारा पास्ट में ही ये कार्य ख़त्म हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हम जो टाइम वाले शब्दों का यूज़ करते हैं वो है टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, सिंस, फॉर, जस्ट, ऑलरेडी, येट। मतलब इनसे ये पता चलता है कि हाँ, हम अभी भी हमारा प्रेजेंट से टाइम का कनेक्शन है। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। फर्स्ट है हमारा आई वेंट देयर यस्टरडे। अब यहाँ हम देखें मैं कल वहाँ गया, यस्टरडे का मतलब कल, ये टाइम हमारा कल में पास्ट में ख़त्म हो गया है, अब उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये बोले ही हैज़ गोन देयर टुडे, वह आज वहाँ गया, तो आज अभी ख़त्म नहीं हुआ, आज हमारा अभी कंटिन्यू है, वो प्रेजेंट में भी उसका कनेक्शन है। तो इस प्रकार का सेंटेंस बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई मेट हिम लास्ट नाइट। यहाँ हमने ये सेंटेंस में देखते हैं तो लास्ट नाइट जो शब्द है टाइम का, वो हमें ये बताता है कि ये समय टाइम पीरियड फिनिश हो चुका है और अब इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम पास्ट सिंपल में बनाते हैं। और इसी प्रकार हम ये नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि ही हैज़ मेट मी दिस वीक। दिस वीक में मतलब ये जो टाइम पीरियड वाला हमारा शब्द है इसमें दिस वीक, ये बताता है कि हमारा ये कार्य अभी भी प्रेजेंट को रिलेट करता है। दिस वीक इज़ नॉट ओवर येट। तो इस प्रकार से के वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है
ही लिव्ड हेयर 2 ईयर्स एगो। यहाँ एगो शब्द आए, इससे हम एगो शब्द से हमें पता चलता है कि ये टाइम फिनिश हो चुका है। ही लिव्ड हेयर 2 ईयर्स एगो, वह यहाँ दो साल पहले रहता था। और इसी सेंटेंस को इस प्रकार से बोले हम, ही हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 2 ईयर्स, मतलब वह यहाँ 2 साल से रहता है, मतलब वो 2 साल पहले उसने रहना चालू किया और अभी भी वे यहीं रह रहा है। या फिर अब इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से बोले, ही हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 2005, यानी वो 2005 से यहीं रह रहा है। इस प्रकार ये हमारा टाइम पीरियड को बता रहा है कि पास्ट में जो हमने जो भी कार्य प्रारंभ किया है वो अभी प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, उसका एग्जिस्टेंस है प्रेजेंट तक। नेक्स्ट है, ही केम हेयर बिफोर 10 मिनट्स। अब यहाँ तो हम सिर्फ 10 मिनट्स बिफोर की बात कर रहे हैं, बिफोर मतलब पहले, लेकिन इससे ये हमें बात पता चलती है कि ये कार्य ख़त्म हो चुका है। अब इसका कोई कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है। बिफोर 10 मिनट्स मतलब ये कार्य 10 मिनट पहले ख़त्म हो चुका है। लेकिन हम बोले ही हैज़न्ट कम येट, तो इसका सेंस ये निकलेगा हमारा कि अभी तक वह अभी तक नहीं आया। ही हैज़न्ट कम येट मतलब अभी भी उसका आने की संभावना है, अभी तक नहीं आया लेकिन आ भी सकता है। तो ये हमारा प्रेजेंट को रिलेट कर रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वी कंप्लीटेड द वर्क लास्ट वीक। अब लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस प्रकार के शब्द जो भी आते हैं वो ये बताते हैं कि टाइम फिनिश हो चुका है। अब उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, पास्ट में कोई कार्य हुआ और वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया। वी कंप्लीटेड द वर्क लास्ट वीक, हमने लास्ट वीक में ही वर्क कंप्लीट कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क, मतलब हम अपना कार्य पहले ही कर चुके हैं। हम पहले बात कर चुके हैं कि ऑलरेडी, येट, जस्ट, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, क्योंकि ये शब्द हमारे पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। हम अपना कार्य पहले ही कर चुके हैं, मतलब हम अब फ्री हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। नेक्स्ट है, आई विजिटेड दिल्ली इन 2010, मतलब मैंने 2010 में दिल्ली का दौरा किया। यहाँ हमें डेफिनेट टाइम मिलता है, मतलब कब दौरा किया, 2010 में, तो हमें डेफिनेट टाइम मिला। जहाँ डेफिनेट टाइम की बात होगी हम वहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव विजिटेड दिल्ली, अब इसमें हमें इनडेफिनेट टाइम है, मैंने दिल्ली का दौरा किया है, कब किया है अब पता नहीं, तो हम बता नहीं सकते, इसमें हमारा इनडेफिनेट टाइम है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जब रिपीटेड एक्शन की बात हो, यानी बार बार कोई कार्य पास्ट में किया जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करके इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे हम दो सेंटेंस देखते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंस। पहला है, मोहन विजिटेड आगरा मैनी टाइम्स, मोहन ने आगरा को बहुत बहुत बार विजिट किया, मतलब बहुत बार गया वहाँ पे। लेकिन इस ये पास सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस से यह आंसर निकल के आएगा कि मोहन इज़ नॉट अलाइव येट, मतलब अब मोहन जिंदा नहीं है, क्योंकि अब उसको उस कार्य को प्रेजेंट में नहीं कर सकता, वो दोहरा नहीं सकता। लेकिन यदि हम ये बोले मोहन हैज़ विजिटेड आगरा मैनी टाइम्स, मतलब मोहन ने बहुत बार आगरा घूमा, बहुत बार वो आगरा गया और अभी भी जा सकता है वो, तो इस प्रकार के सेंटेंस में जब व्यक्ति जीवित है और वो बार बार उस एक्शन को रिपीट कर रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ने वो कार्य बार बार किया लेकिन वो अब जीवित नहीं है, तो हम सिंपल पास्ट का यूज़ करके वो सेंटेंस बनाते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं हम, माई फादर वेंट टू दिल्ली 5 times, मतलब मेरे पिताजी दिल्ली 5 बार गए, मतलब वो 5 बार गए लेकिन अब वो है नहीं। और हम बोलें माई फादर हैज़ गोन टू दिल्ली 5 times, मतलब वो 5 बार दिल्ली जा चुके हैं, मतलब अभी अब वो जिंदा है और बार भी वो जा सकते हैं। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज के माध्यम से हम सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच में अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस सही हैं और कुछ सेंटेंस गलत हैं,
तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है ही हैज़ गॉन देयर लास्ट वीक। या हैज़ के बाद गो, मतलब गो की थर्ड फॉर्म गोन यूज़ हुई है, मतलब ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन इस सेंटेंस के लास्ट में हमने जो शब्द देख रहे हैं टाइम लैप्सेस शब्द है लास्ट वीक। लास्ट वीक हम सिंपल पास्ट में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इस ये सेंटेंस गलत है, हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से हैज़ गॉन को हटाकर वेंट का यूज़ करना पड़ेगा। वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, ही वेंट देयर लास्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है ही लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। अब फॉर 10 ईयर्स टाइम का कंटिन्यूएशन दिखाता है। इस प्रकार के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, ना कि पास्ट सिंपल में। यहाँ हमारा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, मतलब ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो लिव्ड की जगह हैज़ लिव्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ही हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट है आई मेट हिम यस्टरडे। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और यस्टरडे का यूज़ हुआ है, मैं उससे कल मिला, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है ही केम हेयर लास्ट मंथ। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट के बाद सेकेंड वर्ब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, मतलब ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और लास्ट मंथ का यूज़ हुआ है, तो ये हमारा सेंटेंस, वह यहाँ लास्ट मंथ आया, ये सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा ही ऑलरेडी एट फूड। एट ईट का सेकेंड फॉर्म है, तो यानी ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट का है। लेकिन हम ऑलरेडी, येट, जस्ट इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, ना कि सिंपल पास्ट में, क्योंकि ये शब्द हमारे सेंटेंस को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ही के बाद लिखेंगे हम हैज़ और फिर ऑलरेडी और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन। ही हैज़ ऑलरेडी ईटन फूड। नेक्स्ट है हमारा ही डिड नॉट कम येट। येट अभी हमने बात की कि येट, ऑलरेडी, जस्ट इस प्रकार के शब्द हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा डिड नॉट है, यानी हमारा ये सिंपल पास्ट है, तो इसको हमें चेंज करके हैज़ नॉट लिखना पड़ेगा। हैज़ नॉट या हैज़न्ट, ही हैज़ नॉट कम येट, वे अभी तक नहीं आया। नेक्स्ट है ही हैज़ मीट मी टुडे। ये हैज़ के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और टुडे शब्द भी यूज़ हुआ है, मतलब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का टेंस का सेंटेंस है और ये सही सेंटेंस है। नेक्स्ट है आई वेंट देयर लास्ट वीक। वेंट सब्जेक्ट के बाद गो की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये हमारा सेंटेंस है पास्ट सिंपल। तो ये सेंटेंस में हम देखते हैं तो लास्ट में लास्ट वीक लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास्ट के समय को बताता है, जो समय बीत चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। यू लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2010। अब यहाँ हमारा सिंस फॉर का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, ना कि सिंपल पास्ट में, और यहाँ हम देखते हैं यू के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट का है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। इसे चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यू के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। यू हैव लिव्ड, लिव्ड भी थर्ड फॉर्म होता है। यू हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2010। नेक्स्ट है ही केम हेयर बिफोर 20 मिनट। ही केम हेयर बिफोर 20 मिनट, यहाँ 20 मिनट ये बताता है कि यह काम पास्ट में हो चुका है और फिनिश हो चुका है, अब इससे प्रेजेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं, तो बिफोर शब्द का यूज़ भी हम सिंपल पास्ट सेंटेंस में करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में करते हैं, मतलब ये बात वाक्य हमारा सही है। आई होप आप लोगों का इन दोनों टेंसों के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न हो खत्म हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।